ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर तले रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अनेकता में एकता का संदेश देते हुए भाजपा के जिला अध्यक्ष मुख्य रूप से शामिल हुए। जश्न आमदी रसूल के पूर्वाहार मौके पर ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन दुर्ग के केलाबाड़ी में आयोजित किया गया। यहां ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष इकराम कुरैशी ने बताया कि हुजूर के जन्मदिन के अवसर पर फाउंडेशन के बैनर तले रक्तदान कर सर्व समाज व इंसानियत के लिए काम आने वाले इस आयोजन को किया जा रहा है। इसे बड़ी संख्या में युवाओं ने अपना योगदान देकर रक्तदान किया, जिसमें लगभग 50 यूनिट ब्लड अब तक हो चुका है। वहीं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, ललित चंद्राकर, अमजद अली सहित अन्य लोग उपस्थित होकर इस आयोजन की सराहना की और साथ ही न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले तो मैं जो है अल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष भाई इकराम कुरैशी का तहे दिल से शुक्रगुजार अदा करता हूँ कि इन्होंने इस टाइप का कार्यक्रम रखा, जिसकी हमारे देश को वरन पूरे विश्व को इसकी जरूरत है। रक्तदान महादान या जीवन दान कहा जाता है। इन्होंने एक बहुत ही अच्छी पहल और एक नेक का जो है समय के उपलक्ष्य में किया है। जैसे कि आप सबको पता है कि अगले जो है 9 तारीख को मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में जो है ये मुस्लिम जो है समाज की ओर से इकराम कुरैशी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम रखा गया है। जैसे कि आप लोग जानते भी हैं कि ब्लड जो है सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से ही बनता है। खून की जरूरत है तो खून किसी के द्वारा दान किया जाए तभी मिलेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज हमारे देश में 1,40,00,000 ब्लड यूनिट की रिक्वायरमेंट रहती है पर ईयर, और जो इंडियन डेटा जो है बोलता है कि हमारे पास 90,00,000 ब्लड जो है डोनर ही हैं, एक एवरेज जो हमारे पास आता है। तो इकराम कुरैशी जैसे लोगों ने जो इस टाइप का कार्यक्रम रखा है, इस टाइप की पहल की हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि इस टाइप से करते रहें, जिससे जो है समाज में कभी भी ब्लड की जो है कमी ना हो। किसी भी हमारे भाई बंधु, किसी भी समाज का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी पंथ का हो, खून का कोई जात ना कोई पंथ होता है। तो हम इस नेक काम की जो है सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि शहर के लोग, इवन भिलाई शहर से भी काफ़ी लोग आए। लगभग जो है 50 से 55 यूनिट अभी तक हो चुका है और जो कंटिन्यू अभी चालू है। हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जो है इनका सहयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कि जान बचाई जा सके जिनको खून की कमी की वजह से मृत्यु हो जाती है। ये छत्तीसगढ़ पिछले समय जो था ऑल मुस्लिम वेलफेयर के माध्यम से प्रत्येक जिले के मुख्यालय में रखा गया था ईद मिलादुन्नबी के उपलक्ष्य पर ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम। अब इस वक्त जो है संभागीय स्तर पर कार्यक्रम दिया गया है। संभागीय स्तर दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, बस्तर संभाग के मुख्यालय में रखा गया है और ये ब्लड निःशुल्क जो है सारे समाज सारे धर्म के लिए लागू किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में समस्त पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी और अन्य लोग जो आए हैं, इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाए और कार्यक्रम में मनोबल बढ़ाए ब्लड डोनेशन वालों का, ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम करने वालों का। इस माइक के माध्यम से, माइक्रोफोन के माध्यम से मैं उनको बधाई देता हूँ। मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन का ब्लड डोनेट का कार्यक्रम आज रखे हैं हम लोग ईद मिलादुन्नबी के उपलक्ष्य में, और पिछले साल भी ये कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रखा गया था और आज हम केलाबाड़ी चौक में रखा गया है ये प्रोग्राम। जी उद्देश्य ये सिकलिन वाले जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जिनका ब्लड नहीं बनता, ये उनके लिए हम लोग डोनेट कर रहे हैं ब्लड। ऑल मुस्लिम वेलफेयर फेडरेशन के हमारे दुर्ग जिला के यशस्वी अध्यक्ष भाईजान इकराम कुरैशी जी और इसके समस्त टीम के द्वारा आज दुर्ग में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान शिविर महान काम में से एक है जिसको हमारे इकराम भाई कुरैशी और उसके टीम कर रहे हैं। मानवता का सबसे बड़े सेवा में से एक है और समाज में धर्म, जाति, क्षेत्र से परे उठ करके किसी भी मरीज को तत्काल रक्त के जब ज़रूरत हो तो उसमें कोई जात नहीं, कोई पात नहीं देखा जाता, सिर्फ रक्त की ज़रूरत होता है। और लाखों करोड़ों रुपया लेके घूमने के बावजूद भी व्यवस्था नहीं कर पाते, ऐसे महान काम हमारे भाईजान लोग एवं बहनें कर रहे हैं दुर्ग के।
मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। बहरहाल हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर केलाबाड़ी में विशाल रक्तदान शिविर में जागरूकता पूर्वक लोगों ने भाग लिया और साथ ही अनेकता में एकता का संदेश भी दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।